हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल करियो। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करने जा रहे हैं इंग्लिश पोर्शन, जो कि आपका KVS एग्ज़ाम में TGT PGT PRT जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम का जो कॉमन पेपर होता है उसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पर हम लोग इस वीडियो लेक्चर में केवल और केवल इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसको आप सीरियसली देखिएगा। कहीं पे भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट्स करिए। ठीक है, और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से डायरेक्शन है आपका इस क्वेश्चन में कि इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज इफ़ नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ़ आई हैड नॉट टोल्ड यू यू विल नॉट नो द ट्रूथ। ऑप्शन ए इज़ यू कांट नो, ऑप्शन बी यू वुड नॉट बी नोइंग, ऑप्शन सी यू हैव नॉट यू हैव नो नॉट, एंड ऑप्शन डी इज़ यू वुड नॉट हैव नो। ठीक है, इसमें बताना है कि जो है जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें कुछ ज़रूरत है यानी करेक्शन की, है ना, जो फ्रेज है एक्चुअली, तो करें ना विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन, उस ऑप्शन को देख करके बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो गया, यानी जहाँ पे अंडरलाइन है यानी यू विल नॉट नो, इसके प्लेस पे क्या होना चाहिए आपका, होना चाहिए जो है यू वुड नॉट हैव नो। ठीक है, इसका मतलब देखा जाए जो सेंटेंस है आपका क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें जो है इसमें इसका जो फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर क्या होता है, पहले इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस वुड हैव, इसके बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाए, यानी यू वुड नॉट हैव नोन, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें भी करें कि चूज द मीनिंग दैट बेस्ट सूट द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन बी है इसका जो है सुटेबल आइटम्स क्या होगा, इसका मीनिंग बी बाउंड अप विथ। ठीक है, ऑप्शन ए है बी चेंज टू समथिंग फॉर लॉन्ग, एंड बी ऑप्शन है आपका ओवरहेम्ड बाई, ऑप्शन सी है जो है बी वेरी बिजी आर प्री ऑक्यूपाइड, ऑप्शन डी है आपका बी अनइन्वॉल्व। ठीक है, इस फ्रेज का जो करेक्ट ऑप्शन यानी जो है आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी टाइड टू समथिंग फॉर लॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, करें कि आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज दैट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो आपका वर्ड है पहला स्टेटमेंट देखते हैं, अ नंबर ऑफ टेंटेंट्स हैव बीन इविक्टेड फॉर नॉट प्लेइंग द रेंट। ऑप्शन ए है आपका वार्डन, ऑप्शन बी है आपका सेंट आउट, ऑप्शन सी है एक्सक्यूज, एंड ऑप्शन डी है आपका थ्रोन आउट। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी यानी जो है थ्रोन आउट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फोर है, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम ऑप्शन दैट फॉलोज। क्वेश्चन है आपका, जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर द डॉट डॉट टूडे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है केम होगा, कि ऑप्शन बी विल बी कमिंग, ऑप्शन सी विल हैव कम, ऑप्शन डी जो है सेल कम। तो इस क्वेश्चन में जो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स विल बी कमिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज इफ नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शन। ठीक है, इफ नेसेसरी हो तो इसको इम्प्रूव जो है ऑप्शन की हेल्प से करना है। क्वेश्चन फाइव है, जॉर्ज वर लेट टू अरेस्ट बिसाइड हिज पेरेंट्स। ऑप्शन ए इज लेड इन रेस्ट, लेड इन टू रेस्ट, ले इन रेस्ट एंड लीड टू द रेस्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लीड टू रेस्ट। ठीक है, क्या होगा, लीड टू रेस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट मे बी एरनेस। ठीक है, तो एरनेस बताना है, तो स्टेटमेंट आपका क्या है, द ट्रेनिंग प्रोग्राम ये है, बी है मे है टेक्स अ फॉर्म ऑफ, एंड सी है आपका सीरीज ऑफ वर्कशॉप फॉर द LDCS एंड डी आपका UDCS। तो इसमें देखना है कि हमें क्या बताना है, एयरनेस बतानी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इट मीन्स टेक्स अ फॉर्म ऑफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, सेवन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर एट जो भी है, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे हमें बताना है क्या है, अपोजिट बताना है। तो आप यहाँ पे जो वर्ड है क्या है, डस्की, है ना, डस्की का अपोजिट, डस्की का जो मतलब होता है यानी डार्क कह सकते हैं। ठीक है, डार्क या ब्लैक, ठीक है, जिसको आप काला या अंधेरा कर सकते हैं।
तो ऑप्शन ए है आपका शार्प, ऑप्शन बी ब्राइट, ऑप्शन सी जो है वाइल्ड, ऑप्शन डी नियर। तो यहाँ पर डस्की है, डार्क है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड फेलवेल। ठीक है, तो इसमें बताना है फेलवेल का जो है मतलब एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन ए है एबल टू कॉनकोस स्टोरेज, बी है आपका दैट फिश कैन बी फील्ड इजली, ऑप्शन सी है एबल टू स्टिच पीस टुगेदर, एंड डी इज एप्ट टू मेक मिस्टेक और गो रॉन्ग। ठीक है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, जो फेलेबल का अर्थ होता है क्या होता है, भूल करना है, गलती करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी एप्ट टू मेक मिस्टेक्स और गो रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाई यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। क्वेश्चन है आपका, आई डू नॉट बदर मच अबाउट मनी डैश अबाउट इट ऑल माई लाइफ। ऑप्शन ए हैव नेवर बदर्ड, ऑप्शन बी बदर्ड, सी डोंट ब्रदर, एंड डी विल ईवर ब्रदर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स हैव नेवर बदर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जस्ट आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसमें जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अदरवाइज जस्ट इसको आप देखते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन को काफ़ी रिपीट भी कर रहा है। ठीक है, और ख़ासकर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम इंग्लिश वाले वर्जन में ज़्यादा हो रही है। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पे सारे जो है वीडियो ला रहे हैं, इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो चाहे आपके पेडागोजी की हो, ठीक है, लेकिन इंग्लिश पे थोड़ा सा मेरा फोकस ज़्यादा है, क्योंकि इंग्लिश 10 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, इंग्लिश भी 10 मार्क्स का और हिंदी भी 10 मार्क्स का, तो थोड़े से एफर्ट में मार्क्स आपके अच्छे आ सकते हैं, बहुत कुछ करना नहीं। जितने वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसको आप देखते चलिए, डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट ईयर का है। ठीक है, वो जो पेपर था आपका 2018 का था, 16 का था मे बी, और ये जो है 2017 का है कॉमन पेपर। ठीक है, जो कि सभी के लिए यूजफुल, चाहे PRT हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, जो भी KVS के एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2017 का है, TGT का है। ठीक है, TGT का कॉमन पेपर इंग्लिश। करेक्ट, इन ईच ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन बिलो ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। इसमें बताना है कौन सा जो है स्पेलिंग यानी मिसिंग है। ठीक है, तो इसका देखा जाए न्यूट्रियस, तो न्यूट्रियस की जो देखा जाए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें जो है न्यूट्रियस ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं तो सिंपल है न्यूट्रियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखना है आपको, बताना है कि करेक्ट वर्ड बताना है कौन सा है, मैग्निफिकेंट और इसमें देखना है स्पेलिंग कॉज किसकी सही है। तो मैग्निफिकेंट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MAGNIFICENT, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, देयर इज एन एरर इन वन ऑफ द पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज द एरर। ठीक है, इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है। ऑप्शन में ए में है नो सूनर डिड, बी है द थीफ सी, एंड सी है द पुलिसमैन विन, एंड डी है ही रन अवे। तो देखा जाए इसमें जो एरर है उसमें किस में है, द पुलिसमैन विन के स्थान पे क्या होना चाहिए, द पुलिसमैन देन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पुलिसमैन देन होना चाहिए विन के स्थान पे। ठीक है, इसलिए ये जो क्वेश्चन यानी इसका सी पार्ट है वो क्या होगा, जवाब करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 4, इसमें भी वही चेक करना है किस पार्ट में एरर है ना। ऑप्शन है राम इज, एंड बी में है आपका एनेक्सियस टू सी, सी है यू फॉर द, एंड डी है लास्ट 1 वीक। इसमें देखा जाए तो जो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा, बी होगा, एनेक्सियस टू सी। इसके प्लेस पे क्या होना, एनेक्सियस के प्लेस पे बल्कि क्या होना चाहिए, ईगर टू सी। ठीक है, क्या होना चाहिए, ईगर टू सी होना चाहिए, ईगर टू सी। ठीक है, किस पे, ऑप्शन नंबर बी के प्लेस पे। चलिए 5 में देखते हैं, 5 में कौन सा करेक्ट है, आई आस्क्ड, बी में है माय फादर, सी में इफ आई कैन, एंड डी में है टेक हिज पेन। तो इसमें जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा, सी होगा, यहाँ पे इफ आई कैन होगा, बल्कि क्या होना चाहिए, इफ आई कैन के प्लेस पे क्या होना चाहिए, आई कुड होना चाहिए, है ना,
क्योंकि जो सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में होने के कारण, इसलिए कैन के प्लेस पे क्या हो जाएगा, कुड होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा सी होगा इसमें, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, इफ़ आई कुड होना चाहिए, ठीक है, कुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिक्स। इसमें क्या करा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज फॉलोड बाई फोर मीनिंग ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। एक इसका जो है करेक्ट जवाब होगा इस आइटम्स का, क्या है, टू टेक अवे वंस ब्रीथ। ऑप्शन ए है टू सरप्राइज वन, टू हिट वन बैडली, टू किल वन। ऑप्शन डी है टू टेक अवे वंस मनी, ठीक है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी टू सरप्राइज वन, ठीक है, टू सरप्राइज वन। देखिए इसका जो टू टेक अवे वंस ब्रीथ का जो अर्थ होता है क्या होता है, पूर्णतया अचंभित या आश्चर्यचकित, ठीक है। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेड लेटर, ठीक है। अ डेड लेटर का क्या मतलब होता है, ऑप्शन ए है वन विच हैज़ नॉट बीन पोस्टेड, वन ऑफ रिजेक्शन, एंड सी नो लॉन्गर इन यूज, एंड डी है वन दैट हैज़ नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या होगा, नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अ डेड लेटर का मतलब जो होता है, यानी ऐसा कानून जो नियम जो प्रयोग में ना हो, ठीक है, अ लीगल एग्रीमेंट दैट इज नो लॉन्गर इफेक्टिव आर नॉट इन यूज, ठीक है। इट मीन्स जो है इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है, अ डेड लेटर, ठीक। चलिए ये सब आइटम्स हैं तो इसको याद रखना बेहतर होगा, ठीक है। ये जब भी मिलेंगे क्वेश्चन एज सच मिलेंगे, जैसे हैं वैसे ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कम्प्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। स्टेटमेंट है आपका यू डैश बी मेड इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग टू लेंड यू मोर मनी। ऑप्शन ए है माइट, ऑप्शन बी है जो है ऑट टू, सी है शुड, एंड ऑप्शन डी है मस्ट। यहाँ पे ज़्यादा बेहतर कौन सा हुआ, यू मस्ट बी मेड इफ़, ठीक है, क्या होगा, यू मस्ट बी मेड इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग टू लेंड यू मोर मनी। देखिए क्वेश्चन को क्या होता है, दो तीन बार पढ़ेंगे तो अपने आप चीज़ें समझ में आती है क्या होना चाहिए। मस्ट का मतलब यहाँ पक्का श्योर है, 100% है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है करें ईटिंग स्वीट्स, ठीक है, ईटिंग स्वीट्स डैश बी बैड फॉर योर टीथ। तो क्या होना चाहिए, यानी यहाँ पे शुड होना चाहिए, वुड होना चाहिए, ऑट होना चाहिए कि मे होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे देखिए मे के प्लेस पे, यानी ईटिंग स्वीट्स है तो इसके प्लेस पे क्या होना चाहिए, मे होना चाहिए, ठीक है, मे बी बैड फॉर योर टीथ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, करें कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर अपोजिट बनाना है, ठीक है, यानी स्केयर्ड, स्केयर्ड का अपोजिट क्या होगा, अनहोली होगा कि ओपन होगा, फॉल्स होगा, एनएक्सपीसीएस होगा। इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, स्केयर्ड का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है, ठीक है, स्केयर्ड का मतलब पवित्र। तो इसका जो है विलोम क्या हो जाएगा, अनहोली, ठीक है, अपवित्र हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सोबर, सोबर का हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है, तो कूड होगा कि ड्रंक होगा, अनवाइज होगा, क्रिवेल होगा। इसका सोबर का जो मतलब होता है गंभीर या सैमी, ठीक है, तो या इसको कह सकते हैं उन्माद रहे, ठीक है। इसका जो है अपोजिट हो जाएगा ड्रंक, ठीक है, ड्रंक का मतलब क्या होता है, पियक्कड़ या शराबी। तो इट मीन्स इसका जो है करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ड्रंक, सोबर का, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच मोस्ट क्लोजली फिट्स ईच डेफिनेशन। यानी जो है जो क्लोज हो इसके, तो वन हु हैज़ वुड नॉट टू मैरी, क्या होगा, इसमें सिस्टर, बैचलर, सेलिब्रेट, कॉलर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वन हु हैव वुड नॉट टू मैरी, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने विवाह न करने की शपथ ली, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप ब्रह्मचारी बोलते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचारी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। तो अब इसको बताना है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन क्या होता है, एरोगेंट या पफेन या एगोइस्टिक या क्लेवर। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, यानी जो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की आवश्यकताओं से कोई मतलब नहीं, या जो दूसरे से कोई मतलब नहीं रखे, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, इगोइस्ट कहेंगे, है ना, इगोइस्ट का मतलब अहंकारी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेडियंट, ठीक है, रेडियंट, इसमें क्या बताना है कि चूज द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। तो रेडियन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, चमकीला या प्रकाशशील, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ब्राइट में भी मतलब यही होता है, ठीक है। तो ग्रेडियन का जो है
अप्रोप्रिएट जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्ट्रक्चर। अब इसका बताना है स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, क्रिटिसिज्म हो जाएगा, हार्नेस हो जाएगा, डिस्पोर्ट होगा या पैशन होगा। तो इसका जो है स्ट्रक्चर का जो मतलब होता है आलोचना करना या निंदा करना, तो क्रिटिसिज्म का भी तो यही होता है आलोचना निंदा करना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।